3 अगस्त 1492 तीन जहाज 87 क्रू मेंबर के साथ पालोस डे ला फ्रंटेरा नाम के एक छोटे से गांव से रवाना होते हैं। मिशन था समुद्री रास्ता ढूंढना उस समय की सबसे अमीर कंट्री का इंडिया। 12 अक्टूबर लगभग ढाई महीने का लंबा सफर करने के बाद आखिर ये इंडिया पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके उम्मीद के मुताबिक इंडिया की शक्ल ऐसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। कोई शहर नहीं, कोई बंदरगाह नहीं, कोई जहाज नहीं और ना कोई लोग। कुछ ही दूर अंदर चलने के बाद इनको कुछ लोग मिलते हैं जिन्होंने पत्ते बांधे हुए थे। लकड़ी के तीर कमान इनके पास थे और ये लोग कुछ अजीब सी भाषा बोल रहे थे। ये कौन सी जगह है, हम कहाँ आ गए हैं, ये सवाल उन 87 क्रू मेंबर्स का भी था। लेकिन इनके लीडर जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, उसका कहना था कि हम इंडिया में हैं। इन सबको कोई अंदाजा नहीं था कि इन्होंने क्या ढूंढ निकाला है। ये बीच में थे यूरोप से भी 10 गुना बड़ी जमीन के, द अमेरिकास। इटली में 12 अक्टूबर को कोलंबस डे मनाया जाता है और इस दिन नेशनल हॉलीडे भी होता है क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस दिन अमेरिका को ढूंढ निकाला था और पूरी दुनिया को मिलवाया था द न्यू वर्ल्ड से। एक वजह और है कोलंबस डे मनाने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये प्रूफ कर दिया था कि अर्थ स्फेरिकल है। लेकिन शायद ही आपको पता हो ये दोनों ही बातें बकवास हैं, बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए। इस दिन खुशी नहीं, कोलंबस डे वाले दिन एक ब्लैक डे मनाना चाहिए क्योंकि जिस दिन से कोलंबस अमेरिका पहुंचा था उस दिन के बाद से वहां के लोगों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। 15 सेंचुरी तक यूरोप पूरी तरह से डिपेंड था इंडिया और चाइना की ट्रेड पर क्योंकि वहां से अरब से ट्रेडिंग के जरिए मोती, कीमती पत्थर, मसाले जैसे कि इलायची, लौंग, काली मिर्च और नटमेग लाया करते थे और सिल्क जो कि शाही पोशाक मानी जाती थी राजा महाराजाओं की, उसका भी व्यापार बहुत जोर शोर से चलता था। और इन सब चीजों का बाजार लगता था कॉन्स्टेंटिनोपल में, जिसे आज कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था उस जमाने का। यहाँ से इटली, स्पेन और पोर्चुगीज जिनके पास सी रूट है वो सामान खरीदते और पूरे यूरोप में इसे बेचा करते। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था, खूब पैसा था यूरोपियंस के पास। लेकिन 1453 में ओटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया और उसे छीन लिया गया रोमन्स के हाथ से। क्रिश्चियंस और ज्यूज व्यापारियों पर पाबंदी लगा दी गई और ट्रेडिंग नहीं होने की वजह से यूरोपियंस गरीब होने लगे। अब इनको चाहिए था रास्ता इंडिया तक जाने का समुंदर के जरिए क्योंकि जमीन से जाना अब नामुमकिन हो चुका था। लेकिन सवाल था कि जाया कैसे जाए। एक इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने एक प्लान बनाया था कि हम पहुंच सकते हैं इंडिया एक आसान रास्ते से। प्लान सिंपल था, हम सीधा चलेंगे वेस्ट की तरफ और डायरेक्टली पहुंच जाएंगे इंडिया के ईस्ट कोस्ट में क्योंकि उस समय सिर्फ यही मालूम था कि जितनी भी जमीन है वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका ही है और इनके आसपास पूरा के पूरा समुद्र है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकास के बारे में यूरोपियंस नहीं जानते थे। जिस वजह से दिक्कत ये हुई कि अर्थ का जो एक्चुअल सर्कमफेरेंस था वो कम माना जाता था। कोलंबस का मानना था कि इतना बड़ा समंदर तो नहीं हो सकता और कोलंबस ने जो अर्थ का साइज माना था वो माना था 30,577 किलोमीटर। लेकिन आज हमें पता है कि अर्थ का एक्चुअल सर्कमफेरेंस है 40,017 किलोमीटर। लेकिन कोलंबस को ये पक्का यकीन था कि अर्थ प्लेट नहीं है क्योंकि उस समय यह भी माना जाता था कि अर्थ चपटी है, एक प्लेट की तरह। इस पर एक डोम रखा है, वो आसमान है, इसमें चांद, सूरज और सब कुछ घूम रहे हैं। बाकी ये वीडियो देखना मत भूलना। खैर, ज्यादातर लोग यही मानते थे कि अर्थ फ्लैट है क्योंकि जो उन्हें दिखता था वो वही माना करते थे, इंक्लूडिंग कैथोलिक चर्च। लेकिन कोलंबस से करीब 2000 साल पहले, करीब 500 BC में पाइथागोरस ने ये बता दिया था कि अर्थ स्फेयर है। करीब 200 BC में एराटोस्थेनस ने ये तक बता दिया था कि अर्थ स्फेयर तो है लेकिन उसका सर्कमफेरेंस 39,060 किलोमीटर से 40,320 किलोमीटर तक हो सकता है, जो कि लगभग एक्यूरेट था और बिना ऑब्जर्वेशन के ये निकालना सिर्फ मैथमेटिकली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके बाद भी कई सारे फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये प्रूफ किया कि अर्थ स्फीयर है एंड इवन सेंटर में भी नहीं, जिसका मतलब करीब 2000 साल पहले ही ये बताया जा चुका था कि अर्थ गोल है। कोलंबस कोई नया नहीं था। अब कई एक्सप्लोरर जो थे वो टॉलेमी का नक्शा फॉलो करते थे जिसमें अर्थ का डाया लगभग आज जितना ही था, लेकिन कोलंबस ने मेरिनस ऑफ टायर के नक्शे को देखकर अपनी योजना बनाई थी क्योंकि ये नक्शा एक्यूरेट था और एशिया, यूरोप और अफ्रीका इसमें बिल्कुल बराबर बताए गए थे। लेकिन समुद्र के मामले में मेरिनस ने गलती कर दी थी और ये बात भी गलत है कि कोलंबस पहला इंसान था जिसने अमेरिका की खोज की थी। असल में पहले से ही वहां कई सारे लोग रह रहे थे और अमेरिकास की टोटल पॉपुलेशन 60 मिलियन बताई गई है, वहीं यूरोप की पॉपुलेशन उस समय 70 मिलियन थी। लेकिन अगर ढूंढने की बात है तो वाइकिंग्स सबसे पहले वहां पहुंचे थे, करीब 1000 AD में वाइकिंग्स
कनाडा पहुंच गए थे। उन्होंने वहां बस्ती भी बना रखी थी। अब आगे बढ़े तो कोलंबस ने प्लान तो बना लिया था, लेकिन उसको चाहिए थे खूब सारे पैसे, और ये फंडिंग कोई राजा ही कर सकता था। कोलंबस इटली का था, तो उसने सबसे पहले इटली में पोप के सामने अपना प्रस्ताव रखा, जिसमें पोप को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी कि कोलंबस अर्थ चपटी नहीं गोल बता रहा है, और चर्च साइंस के सरासर खिलाफ था। जो गैलीलियो के साथ हुआ वो कोलंबस के साथ भी हो सकता था, और कोलंबस को भगा दिया गया, उसके जान के लाले पड़ गए थे। वो भागकर पोर्चुगीज आया, क्यों? क्योंकि पोर्चुगीज उस समय सबसे आगे था सी रूट के मामले में। कोलंबस ने 1484 में जॉन सेकंड किंग ऑफ पोर्चुगीज के सामने अपना प्रस्ताव रखा। जॉन ने अपने एक्सपर्ट से इस पर सलाह मांगी, और एक्सपर्ट्स ने कोलंबस का प्लान रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें दी गई दूरी 4 गुना कम है एक्चुअल दूरी से। वहां से 1486 में कोलंबस गया कैथली, जिसे आज हम स्पेन कहते हैं। वहां की रानी थी क्वीन इजाबेला। कोलंबस ने इजाबेला को कन्विंस करने की कोशिश की। इजाबेला ने अपने मंत्रिमंडल को इसकी जांच करने को कहा, लेकिन यहां भी मैप और कैलकुलेशन में दिक्कत दिखाई दी। फिर से एक बार कोलंबस 1488 में पोर्चुगीज गया, और इस बार उसने सिर्फ दिखाने के लिए डिस्टेंस थोड़ा बड़ा कर दिया था कि शायद इसे देखकर वो मान जाए, लेकिन उसकी बात किसी ने सुनी ही नहीं, क्योंकि इस बार एक और एक्सप्लोरर बार्थोलोमे डायस अफ्रीका की टिप पर जाकर वापस आ गया था, और उसने ये दावा कर दिया था कि वो अगली बार इंडिया तक पहुंच जाएगा। तो जाहिर है किंग अपना पैसा दो दो जगह तो नहीं लगाएगा। अब इससे कोलंबस बहुत परेशान हुआ, उसको अपना सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कोलंबस को किसी ने सुझाव दिया कि तुम्हें फ्रांस जाना चाहिए, और कोलंबस ने इस बार रिलीजन का इस्तेमाल किया। वहां के पोप को उसने कन्विंस किया कि अगर मैं इंडिया पहुंच जाता हूं तो वहां पर मैं क्रिश्चियनिटी फैलाऊंगा, और अगर मुझे नहीं जाने दिया तो गॉड हमसे नाराज होगा। और वहां से वो फिर से इजाबेला के पास आया, और इजाबेला को उसने सेम चीज कही, लेकिन इस बार कोलंबस अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक बिशप भी आया था जो कि क्रिश्चियनिटी के रिलीजियस लीडर होते हैं। उन्होंने इजाबेला को समझाया और कोलंबस को फंडिंग करने को कहा, और इस बार इजाबेला ने कोलंबस को फंडिंग दे दी, और वादा किया कि उसने अगर सी रूट ढूंढ लिया इंडिया का तो उसे एडमायरल ऑफ द ओशन बना दिया जाएगा, और जो भी जमीन या लैंड वो ढूंढेगा उसे वहां का वाइसरॉय बना दिया जाएगा। इवन 10% रेवेन्यू भी कोलंबस को मिलेगा उन जगहों से। तो ट्रेडिंग करना तो एक बहाना था, इनका मकसद था इंडिया पर इन्वेजन। कोलंबस ने कहा मैं सिर्फ 6 हफ्तों में इंडिया में होऊंगा। उसने डिमांड की कुछ सैनिकों और मजदूरों की, लेकिन कोई भी उसके साथ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये आत्महत्या करने जा रहा है, क्योंकि अर्थ तो फ्लैट है और कोलंबस जब सीधा जाएगा तो वो जमीन से नीचे गिर जाएगा। इवन इजाबेला खुद भी कंफ्यूज थी कि अर्थ चपटी है या गोल, इसीलिए उन्होंने अपने माहिर सिपाहियों को कोलंबस को ना देते हुए 86 ऐसे लोग दिए, जिसमें से लगभग आधे तो ऐसे थे जो जेल में से निकाले गए थे, और आधे गरीब मजदूर जिनको पैसों का लालच देकर तैयार कर दिया गया, और कैदियों से कहा गया कि तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा और तुम एक सम्मान से भरी जिंदगी बिता सकते हो अगर तुम कामयाब हुए तो। इनमें खूनी, डाकू, रेपिस्ट, देशद्रोही सब थे, लेकिन थे ताकतवर मेहनती लोग, क्योंकि रास्ते में पायरेट्स और वाइकिंग का भी सामना करना पड़ सकता था। 3 अगस्त 1492 को 3 जहाज द नीना, द पिंटा एंड द सेंट मरिया फ्रंटेरा से निकलते हैं, जो कि आज स्पेन में है। अभी ये डायरेक्टली इंडिया के लिए नहीं निकलते हैं, इनको पहले जाना था कैनरी आइलैंड। तभी रास्ते में द पिंटा का रूडर टूट जाता है, और कैनरी आइलैंड पर जाकर ये इसे ठीक कराते हैं, जहां इन्हें करीब 1 महीने से ज्यादा लग जाता है, और फाइनल चेक करने के बाद 6 सितंबर को इनकी यात्रा शुरू होती है। 1 महीने के लंबे सफर के बाद फाइनली इनको दिखाई देते हैं परिंदे, जिसका मतलब था जमीन आसपास है। 11 अक्टूबर की सुबह रोड्रिगो डे ट्रियाना पहला आदमी था जिसने जमीन देखी थी। लेकिन कोलंबस ने बाद में दावा किया कि सबसे पहले जमीन उसी ने देखी थी। हालांकि ये झूठ था, क्योंकि सबसे पहले जमीन देखने वाले को क्वीन की तरफ से 10,000 मेरेविडीज मिलेंगे, और कोलंबस का लालच यहाँ से पहली बार दिखाई देता है। अपने बड़े जहाजों को रोककर ये अपनी छोटी बोट्स में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इंडिया की शक्ल वैसी नहीं थी जैसी इन्होंने उम्मीद की थी, क्योंकि इंडिया उस समय एक डेवलप्ड कंट्री थी, लेकिन वहाँ जंगल के सिवा कुछ था ही नहीं, न जहाज, न पोर्ट, न लोग। लेकिन कोलंबस और उसकी टीम पैदल आगे बढ़ती है, और कोलंबस को पता चलता है कि ये एक आइलैंड है, और इस जगह का नाम वो रखता है सैन साल्वाडोर। कुछ माइल चलने के बाद कोलंबस को कुछ लोग मिलते हैं, ये अरावाक्स कबीले के थे। ये नेटिव्स इन बाहर से आने वाले लोगों को हैरानी से देखते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं देखे थे। वहीं कोलंबस और उसके लोग भी उतने ही हैरान थे, और जो कोलंबस की लालच ने देखा वो था इनके गले में पहने हुए कीमती पत्थर, और इनके कानों में पहने हुए सोने के जेवर। और कोलंबस ने इमीडिएटली इन लोगों को बंदी बना लिया। इन्हें टॉर्चर किया गया और पूछा गया कि बताओ तुम्हारे सोने का भंडार
कहाँ है। 28 अक्टूबर को कोलंबस क्यूबा के कोस्ट में पहुंचा और 5 दिसंबर को हिस्पेनियोला तक पहुंच गया था। हिस्पेनियोला से चलकर कोलंबस एक ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोकल्स ने तीरों से इनका स्वागत किया, जिस वजह से कोलंबस ने इस जगह का नाम रखा द गल्फ ऑफ एरो। ऐसे ही कई सारे नाम इस दौरान कोलंबस ने रखे थे, जैसे वर्जिन आइलैंड, सेंट मार्टिन, सेंट मारिया, मेरी ग्लांटे एक्सेट्रा। और ये सब कोलंबस ये सोचकर कर रहा था कि वो ईस्ट में पहुंच गया है इंडिया के, और यहाँ के लोगों को वो कह रहा था इंडियंस, और इस वजह से इस जगह का नाम आज भी है वेस्ट इंडीज। और क्लियरली ये एक गलती थी, और कोलंबस ये इतना यकीन से इसलिए कह पा रहा था क्योंकि उसने जो दूरी बताई थी यूरोप और इंडिया तक की, एक्चुअली इतनी ही दूरी पर इत्तेफाकन वो जमीन पर पहुंच गया था, जिस वजह से कोलंबस को ये कंफर्मेशन हुई कि वो इंडिया में पहुंच चुका है। कई समय तक वहां के लोकल्स के साथ लूट मार करने के बाद, कई सारे लोगों को मारने के बाद कोलंबस वापस आता है 15 मार्च 1493 को, और यहां आकर किंग फर्डिनांड और इजाबेला को वो बताता है हिस्पेनियोला इज अ मिरेकल, माउंटेन्स एंड हिल्स, प्लेन्स एंड पेस्चर्स आर बोथ फर्टाइल एंड ब्यूटीफुल, द हार्बर्स आर अनबिलीवेबली गुड एंड देयर आर मेनी वाइड रिवर्स ऑफ व्हिच द मेजॉरिटी कंटेन्स गोल्ड, there are many spices and the great mines of gold and other metals। साथ ही वो अपने साथ कुछ चीजें भी लाया था जो किसी ने भी कभी भी नहीं देखी थी, सैंपल ऑफ गोल्ड, मोती और ज्वेलरी जो नेटिव से लूटी गई थी, और जो टाइनो कबीले के लोग जिन्हें उसने किडनैप किया था, फ्लावर्स, प्लांट्स, जिसमें एक ऐसा पौधा भी था जो दिखने में तो आम सा था लेकिन उसमें एक कमाल की चीज थी, उसके पत्तों को खाने से नशा हो जाता था और आज हम उसे जानते हैं टबाको के नाम से। कई तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल जिसमें एक कांटेदार दिखने वाला फ्रूट भी था जिसे आज हम पाइनएप्पल के नाम से जानते हैं, और कुछ बर्ड्स जिसमें टर्की भी शामिल थी, पर वो किसी तरह का मसाला नहीं लाया था जैसे काली मिर्च, अदरक और लौंग, क्योंकि वहाँ वो चीज़ें कोलंबस को मिली ही नहीं थी। कोलंबस लिखता है कि वहाँ काली मिर्च से भी बेहतर एक चीज़ है जिसे वो कहते हैं अजी, और ये काली मिर्च से भी टेस्टी और हेल्दी है। और ये सब सुनकर और सामान देखकर लोग बड़े ही हैरान रहते हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, और यूरोप के सारे किंगडम जानते थे इंडिया की वेल्थ के बारे में, तो किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोलंबस कैसे जिंदा वापस आ गया वहाँ से लूट मार करके और वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर, और फिर ये क्या अजीबोगरीब चीजें लेकर आया है। लेकिन कोलंबस बार बार ये कह रहा था कि वो एक जमीन पर गया जिसे उसने हिस्पेनियोला नाम दिया था, और वो आइलैंड चाइना या इंडिया की कोस्ट पर है। और कोलंबस ने यह भी बताया कि वो लोग हमारी भाषा बहुत आसानी से सीख सकते हैं जिससे हम उन्हें बहुत जल्दी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना कि स्पेन में क्रिश्चियन मोनार्की थी और उनका मकसद क्रिश्चियनिटी फैलाना भी था, और इसीलिए की गई थी द सेकेंड वॉयज। इस बार कोलंबस के साथ कई सारे पादरी भी गए थे जो कि वहाँ क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेंगे। वहीं कोलंबस और उसकी टीम का काम था ट्रेड के लिए एशियाई राजाओं से बात करना और बात करके एक ट्रेड रूट बनाना। कोलंबस किनारे किनारे घूमता है और सब कुछ देखता है, उसे कोई जापान, कोई चाइना और कोई इंडिया नहीं मिलता, कोई सुल्तान नहीं, कोई महान खान नहीं जो एशिया पर राज करता हो, उन सारी जमीनों पर कोई भी महान राजा नहीं था, बस थे तो सिर्फ छोटे छोटे कबीले जिनको बर्बाद करना सिर्फ छोटी उंगली का काम था। और वादे के मुताबिक इस बार कोलंबस वॉइसरॉय भी था हिस्पेनियोला का। कोलंबस ने यहाँ कई खदानें खुदवाई, वहाँ के लोगों को पकड़ पकड़ के उसने सोने का पता लगवाया और उन्हीं को गुलाम बनवाकर काम भी करवाया, जिसने विरोध किया उनके आदमियों को मार दिया गया और उनकी औरतों को सेक्स स्लेव बनाया गया, उन्हें यूरोप में बेचा गया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, इन लोगों को भूखा रखा जाता, कोड़े मारे जाते और उनसे जबरदस्ती 15-15 घंटे खदानों में काम कराया जाता, और इसमें भी अगर कोई मजबूरन चोरी कर ले तो उसे फांसी भी दे दी जाती थी, और फांसी तो एक छोटी सजा होती थी, उनकी उंगलियां काट दी जाती थी, उनके हाथ तक काट दिए जाते थे, और कभी कभार किसी छोटी चोरी पर उनके कान और नाक भी काट दिए जाते थे। और आज मैं बताता हूँ दुनिया के सबसे जालिम आदमी का नाम, अलोंसो डे ओजेडा, एक ऐसा खतरनाक इंसान जो कि जहां भी जाता वहां हर किसी को बेवजह मार देता था, और मेरी नजर में ये दुनिया का सबसे बड़ा रेसिस्ट आदमी था, और यही था जो ये सब सजाएं दे रहा था। इसके अलावा भी एक चीज और हुई थी, ये जो यूरोपियंस लोग थे ये अपने साथ कई सारी बीमारियां भी लाए थे, कई ऐसी बीमारियां जिससे वहां के लोग अनछुए थे, कई माइक्रोब और वायरसेस से यहां के लोगों की इम्यूनिटी मजबूत नहीं थी, हजारों लोग इन पेंडेमिक से मारे गए, कई सारे भूख से मर गए, और कई बीमार जो बीमारी से लड़ सकते थे लेकिन वो भी नहीं बच पाए क्योंकि उनकी देखभाल करने वालों को 15-15 घंटे काम करवाया जा रहा था और वो बीमार लोग अपने बिस्तरों पर ही भूखे मर गए। और इससे भी कहीं ज्यादा कोलंबस और उसके लोगों ने अमेरिका की मूल निवासियों को बेवजह ही मार दिया था। कुल मिला के दो तिहाई आबादी इंडिजिनियस पीपल की कोलंबस के रूल के दौरान
मारी गई थी। 1494 के आखिरी में कोलंबस अपनी वाइसरॉयशिप शेयर करता है मार्गरेट के साथ। मार्गरेट का मकसद था सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना तलवार के जोर पर। उसने कई कत्ल किए, कई गुलाम बनाए और हजारों की तादाद में रेप करवाए, जिससे अगले 2 साल तक कोई भी क्रिश्चियन नहीं हुआ बल्कि हजारों लोग मारे गए। क्रिस्टोफर के भाई डिएगो ने मार्गरेट को चेतावनी दी कि उसकी इन हरकतों से कोलंबस की वाइसरॉयशिप खतरे में आ सकती है और मार्गरेट को स्पेन पहुंचा दिया गया। और स्पेन जाकर मार्गरेट और इसके साथियों ने कोलंबस की शिकायत कर दी कि कोलंबस और उसके भाई हमें क्रिश्चियनिटी फैलाने से रोक रहे हैं, वहां कोई सोना वोना नहीं है, कोलंबस झूठ बोल रहा है। और ये बात जब कोलंबस को पता चली तो प्रेशर की वजह से उसने एक सिस्टम बनाया, द ट्रिब्यूट सिस्टम। इसे एक टैक्स सिस्टम समझ सकते हो। टैक्स के तौर पर कुछ भी हो सकता था, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, प्रेसिस स्टोन या खेती का सामान, इनमें से कुछ भी देकर टैक्स पे किया जा सकता था। और इस टैक्स के बदले टैक्स पेयर को एक टोकन दिया जाएगा जो वो अपने गले में टांगेगा, जिससे ये पता चल सकेगा कि उसने अपना भुगतान कर दिया है। और जिसने ये टैक्स नहीं दिया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, जो कि मौत के बराबर था। अब इस सब में डरावनी बात ये थी कि वो लोग कहां से कुछ दे पाते जब उनके पास कुछ था ही नहीं, पहले से ही ये सब कुछ उनसे लूट चुके थे। और उन्हें नहीं पता था कि सोना कैसे निकाला जाता है। उनकी जमीनें छीन ली गई थी, खेती बर्बाद कर दी गई थी, वो बीमार थे, भूखे थे और कमजोर थे। तो जितने भी वहां लोग थे उनमें से ज्यादातर ने आत्महत्या कर ली, जो कि एक आसान मौत थी। और ट्रिब्यूट सिस्टम महज 2 महीने में ही फेल हो गया था। इसे देखते हुए कोलंबस के पास कोई चारा नहीं बचता और वो गुलाम बनाता है कई सारे लोगों को और उन्हें बेचने जाता है यूरोप। जून 1496 को कोलंबस वापस आता है। इस बार कोलंबस और एक्सप्लोर करने जाता है और वो नई जगह पहुंचता है, साउथ अमेरिका के टॉप में। वहां उसे दिखता है एक बड़ा सा जंगल जो अनंत था। उस जगह को वो डिस्क्राइब करते हुए लिखता है, वी आर इन पैराडाइज। और ये था अमेज़न। इस तीसरी यात्रा के दौरान कोलंबस जब वापस आया तो उसने देखा कि उसके लोग उसी के खिलाफ हो चुके थे, क्योंकि कोलंबस ने सिर्फ नेटिव्स को ही सजा नहीं दी थी बल्कि कई स्पेनिश को भी उसने मारा था। और कोलंबस पर इल्ज़ाम था कि उसने चर्च के खिलाफ काम किया है। उसने लोगों को क्रिश्चियन बनने से रोका ताकि वो उन्हें गुलाम बना सके, और उसने नेटिव्स को अपनी परमिशन के बगैर किसी और को नेटिव्स को गुलाम बनाने से भी रोका ताकि वो खुद उन्हें गुलाम बना सके और प्रॉफिट कमा सके उन्हें बेचकर। इसके अलावा भी उसने लोगों के भी स्लेव्स छीने और उन्हें खुद से बेचा। 12 स्पेनिश जो सोने के व्यापारी थे उन्हें बांधकर कोड़े मारे गए। एक स्पेनिश औरत को झूठ बोलने पर गधे पे बिठाकर बिना कपड़ों के कोड़े पड़वाए गए और वो प्रेग्नेंट भी थी। कोलंबस और उसके भाइयों का अपमान करने के लिए एक औरत की जबान काट दी गई। एक स्पेनिश सिटीजन का गला काट दिया गया क्योंकि वो होमोसेक्सुअल था। ब्रेड चुराने के आरोप में एक क्रिश्चियन आदमी को फांसी दे दी गई। बिना पूछे मछली पकड़ने की वजह से एक लड़के के हाथ कटवा दिए गए। ऐसे ही कईयों के साथ महज झूठ बोलने, गाली देने और अगर किसी सिपाही को कोई घूर के भी देख ले तो उसे सजा दी जाती थी। कोलंबस के हाथ में सारे लोगों की जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर भी 50 लोग राशन होने के बावजूद भी मारे गए और वो सब स्पेनिश क्रिश्चियन थे। लेकिन इस पर कोई इल्जाम नहीं था किसी अमेरिकन नेटिव्स की हत्या पर। अगर कोलंबस एक भी स्पेनिश या क्रिश्चियन को नहीं मारता तो उस पर कोई इल्जाम नहीं लगता। यह बात ध्यान रखना कि कोई भी दूध का धुला नहीं था। कोलंबस को वापस बुलाया गया और इसके लिए उसको सजा भी हुई। उसने रो रो कर गिड़गिड़ाकर फर्डिनांड और इजाबेला से माफी मांगी और कहा कि इस बार मैं आइलैंड ऑफ स्पाइसेस ढूंढ निकालूंगा। और फिर से एक बार वो निकलता है एक नए आइलैंड को ढूंढने, कॉल्ड मलेशिया। और वो डायरेक्ट जाकर रुकता है क्यूबा में। क्यूबा से वो चलकर पनामा पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां के लोग बड़े ही अमीर थे। वो सोना पहने हुए हैं, कीमती पत्थर पहने हुए हैं, लेकिन कोलंबस वहां कुछ नहीं बोलता क्योंकि उनके हाथ में लोहे के भाले भी थे और वो लोग लड़ना जानते थे। इसीलिए कोलंबस चुपचाप आगे बढ़ता है और कुछ दिनों का सफर करने के बाद वो फिर से पहुंच जाता है किनारे पर और वो देखता है कि उसके सामने था एक बड़ा सा समंदर। और फाइनली कोलंबस को ये रियलाइज होता है कि ये इंडिया नहीं हो सकता। और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता होने की वजह से कोलंबस इसे नाम देता है द न्यू वर्ल्ड। और वो समझ जाता है कि वो गलत था अपनी नेविगेशन टेक्निक्स में, मैप रीडिंग में और कैलकुलेशन में। वो सब कुछ छोड़ देता है और स्पेन आ जाता है। 1506 में एक बीमारी के चलते कोलंबस की मौत हो जाती है। इसके 1 साल बाद एक मैप डिजाइनर मार्टिन वाल्डसेमुलर द न्यू वर्ल्ड का नाम रखता है द अमेरिकास। क्योंकि ये कहानी कोलंबस की थी इसीलिए मैंने इसमें कोलंबियन एक्सचेंज के बारे में बात नहीं की। कोलंबस और उसके बाद में जाने वाले लोग अमेरिका क्या क्या ले गए और वहां से वो क्या लाए, कैसे वहां यूरोप के पेड़ पौधे और जानवर गए और वहां के पेड़ पौधे और जानवर
यूरोपा है और इस एक्सचेंज की वजह से दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया और इस नक्शे के बदलने की कहानी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कोलंबस का मकसद कुछ भी रहा हो, स्पेनिश यूरोपियंस का मकसद कुछ भी रहा हो, लेकिन न्यू वर्ल्ड की वजह से हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। और किसी को नहीं पता था कि जहाँ यूरोप में बंदूकें चल रही थी वहाँ अमेरिका में लकड़ी के तीर कमान हुआ करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि जहाँ यूरोप में बग्घियाँ चला करती थी वहीं अमेरिकाज में घोड़े हुआ ही नहीं करते थे। इसीलिए शायद कोलंबस को इस बदलाव के लिए क्रेडिट देना चाहिए कि उसने दोनों दुनियाओं को मिलाने की पहल करी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने वहाँ के लोगों के साथ क्या किया। तो किसी की एक अच्छाई को लेकर उसकी बुराई नहीं छुपाई जा सकती। मिलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में। रिमेंबर दिस।